देरी रोड स्थित महर्षि विद्या मंदिर में वैदिक मंत्रोपचार के बीच महर्षि महेश योगी जी की जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है उसका क्या मकसद है और कब से कब तक वो कॉन्फ्रेंस चली? ये महर्षि विद्या मंदिर की ओर से यहाँ छतरपुर में ऐसा है कि हम लोगों का जो भारतीय संस्था है वो महर्षि महेश योगी का जो जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है उसमें 100 था, तो उसी में ये छतरपुर में जो कॉन्फ्रेंस है ये भी उसी उद्देश्य से की जा रही है जिससे कि महर्षि जी का ज्ञान सब लोगों को मिल सके और समाज के जीवन को अच्छा कर सके। तो कल इसके लिए कॉन्फ्रेंस है और सुबह 11 बजे से लेकर लगभग 3 बजे तक ये कॉन्फ्रेंस चलेगी और हम सब लोगों को आमंत्रित करते हैं कि वो महर्षि जी के इस ज्ञान को आकर सुने समझें और अपने जीवन में उसका उसको प्रयोग करके अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने मस्तिष्क का विकास करें, अपने मन को शांत करें, अपने स्वास्थ्य को अच्छा करें और साथ ही साथ समाज में भी शांति का और सौहार्द का वातावरण। सर एक संक्षिप्त तौर क्वेश्चन है, ध्यान और वेदों की क्या भूमिका आप देखते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। अपने यहाँ कहा गया है आध्यात्म विद्या विद्या नाम, जो विद्याओं में सबसे भगवत गीता में कहा है आध्यात्म विद्या विद्या नाम, जो सबसे बड़ी विद्या है वो स्टडी ऑफ सेल्फ। तो शिक्षा के क्षेत्र में यदि वास्तव में हमको एक्सीलेंस प्राप्त करना है, हमको उसमें उत्कर्षता प्राप्त करनी है, तो हमको इसको शिक्षा में भगवती ध्यान को लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये योग की सबसे सरल विधि है। ये केवल योगासन की योग नहीं होता, योग में स्थित होना मतलब अपनी चेतना का आत्मा में स्थित होना, वो योग है। तो हमारे यहाँ भगवती ध्यान के द्वारा क्या होता है कि 15-20 मिनट सुबह 15-20 मिनट शाम ध्यान करने से क्या होता है, अपना व्यवहार अच्छा होता है, मन शांत होता है। और शिक्षा के क्षेत्र में ये देखा गया है कि जो बच्चे भावातीत ध्यान का अभ्यास करते हैं उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, इंटेलिजेंस बढ़ती है, एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो ये विशिष्ट रूप से उपयोगी है और अदरवाइज तो ये सभी लोगों के लिए समाज में उपयोगी है, चाहे कोई कर्मचारी हो, कहीं कोई काम करते हों, किसी खेती में काम करते हों, कोई भी कार्य हमारा अपना कोई भी कार्य व्यापार हो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए भावातीत ध्यान उसके स्वास्थ्य में सुधार करता है, मन में शांति लाता है। समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री वीरेंद्र खटीक, मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री श्रीमती ललिता यादव, महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय के कुलपति भुवनेश शर्मा एवं ब्रह्मचारी गिरीश जी बतौर मुख्य अतिथि में शामिल हुए। विद्वान ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोपचार का उच्चारण कर कार्यक्रम का प्रारंभ कराया। जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर भावातीत ध्यान की भी जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि किस प्रकार ध्यान करने से हमारी आत्मा तो शुद्ध होती है, साथ ही साथ मन होता है। प्राचार्य टी के शर्मा के मुताबिक महर्षि के 150 संस्थानों में इस कार्यक्रम का आयोजन सुनिश्चित किया गया। चल रहा है जिसमें 100 कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी, जिसमें हम छतरपुर में यहाँ पर